गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय में भी ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने यहां ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर समस्त डायरेक्टर्स और न्यूज स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 73वां गणतंत्र दिवस ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय में पूरे हर्षोल्लास और ध्वजारोहण कर मनाया गया। ध्वजारोहण के पूर्व देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। भारत माता के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत मुख्य अतिथि पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। यहां उपस्थित जनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि संदीप निरंकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के सभी निवासियों को, भिलाई नगर निगम के सभी निवासियों को और मेरे वार्ड 5 नंबर कोसानगर के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ऑफिस में जहां मैं खड़ा हूं, एशियन का ऑफिस, यहां के भी सभी काम करने वाले सभी ब्यूरो चीफ सभी डायरेक्टर्स को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और बहुत प्राउड फील होता है कि भारत का जो संविधान है इतना मजबूत बना है, जो आज हम लोगों को इस बात का प्रेरणा देता है और डर ख़त्म करता है हमारा, कि आज जब हम किसी भी संवैधानिक संस्था के सामने जाके खड़े होते हैं तो हमारे मन में भय नहीं होता, क्योंकि हमें संविधान की ताकत का अंदाज़ा होता है। ऐसे संविधान का जिसने पूरे देश की संप्रभुता को अक्षुण रखा है, एकजुट रखा है, मैं ऐसे संविधान को सलाम करता हूँ। और 73वें गणतंत्र दिवस में मैं ये दुआ करता हूँ कि ये गणतंत्र सारी ज़िंदगी जो है वो हमारी जारी ज़िंदगी तो चलता ही रहे और अमर रहे हमेशा, और हम लोग अपने गणतंत्र दिवस पे, अपने संविधान पे हमेशा इस संविधान का मान करते रहें और उसकी इज्जत करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने समस्त डायरेक्टर सहित न्यूज़ स्टाफ के लोग मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।